नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मोदी जी यूएई से वापस आया। मोदी जी यूएई गया था, आपको मालूम होगा, दुबई में जो ये 28 यूएन का क्लाइमेट चेंज को लेके जो कॉन्फ्रेंस होता है, COP 28, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो वहां पर मोदी जी गया, मोदी जी का जो ग्रैंड वेलकम हुआ, देखने लायक हुआ। और क्यों नहीं होगा, भारत का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है, उनका ऐसा ही होता है। मोदी जी जहाँ चलते हैं ना, मोदी जी का पीछे पूरा आज का दिन में तो दुनिया चलते हैं। क्योंकि उसका जो मतलब जो लीडरशिप है ना, देश नहीं पूरा दुनिया ने देखा है। लेकिन पाकिस्तान मानने को राजी नहीं है, पाकिस्तान ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है यार। सेम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का भी कोई गया था, कौन गया था मुझे नहीं मालूम, जो बंदा गया था वो तो पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर में जितना भी देश, ये जो 28 मीटिंग हुआ है ना, वहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डेलीगेट जो भी आया, एक साथ में ये फोटो खींचा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे पहला रो में, ये बीच में, और पाकिस्तान कहाँ है? तो क्या सही में पाकिस्तान आज का दिन में दुनिया का जो ये नक्शा है यहाँ से निकल गया? मुझे तो अब वही लग रहा है। अगर नहीं गया तो निकल जाएगा, क्योंकि इनका जो हरकतें हैं वही है जिहाद। तो क्या पाकिस्तान का जो ये जिहाद है, इनका परिणाम आज दुनिया में हर कोई देख रहा है? दुनिया समझ रहा है कि पाकिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो आपको दिखाई दिया क्या, ये जो जिहाद का जो ये लीडर है वहां पर गया था COP अटेंड करने के लिए, है ना? नजर नहीं आया होगा, कहाँ से आएगा? ये ऐसे मिट जाएगा एक दिन, अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि इनका वही काम है। आज दुनिया उनको भली भांति जान चुका है, जहां पर भी जाता है इनका ये हाल होता है। ये तो COP का हाल है। अब मैं बताता हूँ इसका क्रिकेट टीम का क्या हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में बायलेटरल सीरीज खेलने के लिए गया, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने उसको रिसीव करने के लिए मना कर दिया। मतलब मना कर दिया, इन द सेंस इस टाइप का कर दिया कि यार कोई आ रहा है तो आने दो। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में लाखों पैसेंजर्स आता है, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान को भी ऐसे ही आने दो। हाँ, उसका जो चेकिंग है ना, ठीक से करना, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रहा है, कुछ भी ला सकता है वो। तो चेकिंग वगैरह किया, उसके बाद बोला देखो भैया, तुम खेलने के लिए आए हो, हम तुम्हें खेलने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ देते हैं, लेकिन हम तुम्हें वेलकम नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी देश ऐसे बायलेटरल सीरीज खेलने के लिए या कोई भी इवेंट अटेंड करने के लिए जाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई कमिटी होता है, वहां से कोई लोग आता है वेलकम करने के लिए कि आप आइए, हमारा देश आ रहा है, अक्सर होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों को ना मतलब इज्जत उतार दिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया ना, दो तीन क्रू मेंबर लिया साथ में, वो जो ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली दिया, बोला ये तुम्हारा लगेज है, ये तुम्हारा गाड़ी है, इसमें खुद अपना लगेज भरो और होटल चला जाओ। मतलब इतना बेइज्जत आज तक शायद ही कोई स्पोर्ट्स में किसी देश ने दूसरे देश को किया हो। तो क्या करे, पाकिस्तान का ये तो हैबिट ही हो चुका है, हर जगह ये जब भी जाता है ना, कहीं पैसा मांगने के लिए जाता है, वहां से उसको धक्का मार के निकाला है, चलो यार तुमको कितना उधार देगा। कभी ये COP पहुंच जाता है, एकदम लास्ट में कोने में खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और हिल जाता ना कैमरामैन, वो पिक्चर में आता ही नहीं था। और यहां पर देखो, इसका देश को रिप्रेजेंट करता है ये क्रिकेट टीम, इसका ये हाल है। मतलब दुनिया समझ चुका है इनका जो ये मतलब खुद को बेइज्जती कराने का जो ये तरीका है ना, इन्होंने खुद कमाया है, किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकता है। ये जिहाद करते करते इनका जो ये हाल है ना, आगे देखो क्या होता है। हमारा देश का जो क्रिकेटर वहां जाता है ना, देखो ये विराट कोहली का, ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था ऑस्ट्रेलिया का, किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ है, इसको कहते हैं लीडर, इसको कहते हैं क्रिकेट टीम। ये विराट कोहली हमारा देश को रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा क्रिकेटर को पूछता भी नहीं है कोई, ये हाल है। मतलब ये बात बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी वो हाई कमिश्नर है ना, उन्होंने भी सोचा कि ये सही में बड़ा बेइज्जत हो गया। तो बाद में वो क्या किया, डिनर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना ऑफिस बुलाया, ऑफिस में बुला के डिनर विनर किया, ताकि जो क्रिकेट फैन है पाकिस्तान में उनको लगे सही में बेइज्जती नहीं हुआ है, हमारा देश का ही सही, उन्होंने कम से कम खाने के लिए तो बुलाया है, वरना भूखा रह जाता, क्या पता होटल में भी खाना नहीं दिया होता। तो हाई कमीशन ने सही सोचा है, उसको बुला के दिना बिना करवाया। मतलब ये हाल है आज पाकिस्तान का। मैं बोला ना, एक दिन सही में आप लिख के ले लो, दुनिया के नक्शे से ये निकल जाएगा, ये अपनी हरकतों से निकल जाएगा, अगर वक्त रहते हुए नहीं सुधरा तो। और इनको सुधारेगा कौन? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है क्या? वहां कौन किसका साथ क्या कमांडिंग पोजीशन में है किसी को, तो ये आज तक दुनिया में समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान को ISIS चलाते हैं, आर्मी चलाते हैं, टेररिस्ट चलाते हैं, मौलाना चलाते हैं, कोई
कोई अगर दूसरा देशों के लीडर अगर उनसे बात करे किसका साथ करे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ में तो वो है ही, लश्कर ए तैयबा, जैसी मोहम्मद, फलाना धिमकाना, जितना भी इनका घर का दाल है ना, वो तो है ही। तो इनको आज अगर वक्त रहते हुए नहीं सुधरना है, खास करके जो यंगस्टर्स है, जो आने वाला इसका जो जनरेशन है, ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। इनफैक्ट आप देखिएगा कभी कभार क्या होता है ना, इंटरनेट पे आता है इन लोगों का जो ये नफरत है भारत को लेके, हिंदुओं को लेके, ये उनका दिमाग में भराया जा रहा है। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ये है, इनका पास कुछ है नहीं लेकिन इसको कंपेयर करना है भारत के साथ, ये उनका दिमाग है। और यार तुम्हारा जो पढ़ा लिखा है ना, थोड़ा बहुत जो भी है, उनको थोड़ा सा अकल है तो समझाना चाहिए कि भारत के साथ हमारा कंपेयर नहीं होता है। वो बहुत बड़ा मुल्क है, आज इकोनॉमी के लिए बहुत ऊपर है, दुनिया का 5th largest इकोनॉमी है, और तुम्हारा क्या है, मतलब गरीब देश में से अगर काउंट करें, हो सकता है पाकिस्तान 5th largest गरीब देश है आज का दिन में, खास करके पाकिस्तानियों के लिए। थोड़ा सा इज्जत कमाना सीखो, सही ढंग पे आओ, अच्छा काम करो, दुनिया में नाम कमाओ। इनफैक्ट ये जिहाद जो है ना, इसको छोड़ दो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।